The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Friends, today morning, a little bit before, dukhat खबर सुनने में आई कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बहुत फेमस थे, बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, वो हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि उनको जब अस्पताल लेके जाया गया तो वो वहाँ पर बताया गया कि ऑल्दो कन्फर्म नहीं है लेकिन उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया है। कई बार ऐसा होता है जब कारण इनिशियली नहीं पता चलता तो ज़्यादातर केसेस में हार्ट अटैक ही एक मेजर कारण होता है। बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, केवल 40 साल के थे वो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे फिट बॉडी बिल्डर इंसान, क्यों उनको हार्ट अटैक आ गया? ऐसा बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये देखा जा रहा है, यहीं नहीं इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में, कि यंग लोग 40 साल के नीचे, 35 साल के नीचे, 25 साल के लोग, 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या कारण है इसका, मुख्य कारण क्या है और ऐसा क्यों हुआ? सिद्धार्थ शुक्ला का केस भी इसी इन्हीं कारणों में इंक्लूडेड हो सकता है। तो देखो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या किसी भी बड़े हार्ट एसोसिएशन के अगर आप रिसर्च स्टडीज देखेंगे तो यंग लोगों में हार्ट अटैक के करीब 4 से 5 ही मुख्य कारण है। बहुत सारे और कारण छोटे मोटे हो सकते हैं, वो 4 से 5 मुख्य कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो आज तक इन सारे कारणों में देखा गया है वो है स्मोकिंग। जी हाँ, धूम्रपान। जी हाँ, स्मोकिंग, धूम्रपान सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फॉर हार्ट अटैक देखा गया है। और स्मोकिंग एक ऐसा कारण है जो सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में भी इन्वॉल्व था। अब स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ा रहे हैं। उस स्मोकिंग के वजह से 7000 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं और जिसके अंदर 70 के आसपास कार्सिन, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं, और हार्ट की खून की नसें, उन सब के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करता है। सो स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। जो सेकेंड रीजन जो बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ दशकों में वो है बैड लाइफस्टाइल। जी हाँ, यहाँ पर अब बात करें तो सिर्फ एक बुरी लाइफस्टाइल जिंदगी भर जिए हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इवन द चेंज इन लाइफस्टाइल। अगर आज तक बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल थे, एकदम चेंज हो गई है लाइफस्टाइल कुछ ही महीनों में, पिछले 6 महीनों में, साल भर में आपका अपने बिल्कुल बाहर का कुछ भी खाया है, जंक फूड खाया है, उल्टा सीधा खाया है, ऑब्वियसली बैड लाइफस्टाइल इसी को कहते हैं ना, व्हेन यू आर ईटिंग आउटसाइड। बैड लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे जागना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करनी, मोटा हो जाना है, उल्टा सीधा खाना है, जंक फूड खाना है, बहुत सारा जंक फूड, बाहर से तला हुआ खाना, फ्राइड फूड खाना है, स्वीट्स खाने हैं या कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे जंक अगर आप रेगुलरली खाते हैं या कुछ टाइम ऐसा आपके लाइफ में ब्रेक्स होते रहते, अप डाउन होते रहते, बहुत हेल्दी बहुत खराब, बहुत हेल्दी बहुत खराब, दैट इज आल्सो बैड, राइट? सो बैड लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है जो, या इसको तीसरे रीजन के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, तीसरा बहुत बड़ा रीजन आज के डेट में आ रहा है वो है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन यंग लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स जा रही हैं, कोरोना में लोगों ने अपने कई जॉब ही नहीं, अपने फाइनेंशियल्स, अपने फैमिली मेंबर्स कईयों को खोया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, मोटे हो जा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, लॉकडाउन है, तो इतने कारण हैं डिप्रेशन के पूछो मत। डिप्रेशन में आप अपने वेट, अपने हेल्थ, अपनी डाइट कुछ नहीं देखते हैं, मोटे हो जाते हैं, आप उल्टा सीधा खाते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सबके साथ होता है, राइट? सो डिप्रेशन, बैड लाइफस्टाइल साथ चलता है, बैड लाइफस्टाइल कैन आल्सो लीड टू डिप्रेशन, ठीक है? और कोई बड़ा कारण भी हो सकता है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन, बैड लाइफस्टाइल एक बहुत
बड़े रीजन हो जाते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम में। चौथा रीजन आपका आता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में ही यंग एज में हार्ट अटैक होते आए हैं, आपके दादा, पापा, चाचा, ताया, आपके फैमिली मेंबर, आपकी मदर, फादर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रिस्क है। तो फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री इज अ बिग फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है, तब आपको बहुत जरूरी है अपना रेगुलर चेकअप कराना। सो ये चार बड़े कारण, और पांचवा कारण आपका आता है जो मोटापा, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, जो हम कहते हैं ना डायबिटीज, मोटापा। ऑब्वियसली ये जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल और इन्हीं से रिलेटेड है। हाई कोलेस्ट्रॉल इसका मेन कारण तो दूर की बात है, सिग्निफिकेंट कारण भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को लोग बहुत दोष देते आए हैं, इसी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने के लिए उल्टी सीधी स्टैटिन दवाइयाँ भी चलाई जाती हैं। ऑल्दो इसका चलन अभी भी चालू है, लेकिन रिसर्च ये क्लियरली बताता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का या डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का आपके आपके सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल से बहुत ही ना के बराबर का लेना देना है। बल्कि 80% कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जो बनता है आपका लिवर बनाता है, ना कि आपकी डाइट से आता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मगर किसी का अगर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई मिलता है, वो बैड लाइफस्टाइल से हो जाता है। वो बैड लाइफस्टाइल के वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगता है, वरना हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन का। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जिएंगे, नो मैटर हाउ हाई योर डाइट कोलेस्ट्रॉल इज, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इज, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज हो जाता है। आपका लिवर, आपकी बॉडी, आपकी किडनी उसे मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का ही इस्तेमाल होता है विटामिन डी बनाने में, आपके बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन बनाने में, जो कि रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर बॉडी, जो आपको चाहिए। डेली बेसिस पे जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उतना खाना चाहिए। बहरहाल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द मेन रीजन, बट दीज 4-5 थिंग्स आर। सो आप प्रिवेंशन पे ध्यान दे सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे सकते हैं, और जितने भी लोगों के अंदर बैड हैबिट्स हैं, खासकर स्मोकिंग है, जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो डिप्रेस हो रहे हैं, उनको हेल्प कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें बताइए कि भाई सुधर जाइए, उनको हेल्प करो, ताकि वो आगे इस तरह की चीज़ों का शिकार ना हो जाए। सो मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।